अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद सादिक, फाउंडर एंड सीईओ हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल। मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर संतोष नगर ब्रांच भी मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह संतोष नगर बॉयज़ बिल्डिंग का एनुअल डे फंक्शन है। पिछले कुछ दिनों से हमारे मुख्तलिफ ब्रांचेस के एनुअल डे फंक्शन जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह संतोष नगर का बॉयज़ का प्रोग्राम है। गर्ल्स का प्रोग्राम कल हो चुका है, हम गर्ल्स और बॉयज़ का प्रोग्राम एक साथ नहीं करते। पिछले दिनों में हमारे मुगलपुरा ब्रांच, खिलवत ब्रांच, चादरघाट ब्रांच का भी एनुअल डे प्रोग्राम हुआ है और मुझे बताते हुए मसरत हो रही है कि इंशाल्लाह इस साल फरवरी में, नेक्स्ट मंथ में चंदुराल बारादरी ब्रांच का भी जो है आगाज़ होने जा रहा है, जो वज़ीर अली मस्जिद के रूबरू जो रोड जा रही है वहाँ पर सवेरा फंक्शन हॉल के पास में हमारा ये नया ब्रांच आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एनुअल डेज हमारे हुए हैं, इंक्लूडिंग आज का एनुअल डे, इसके अंदर विदाउट एनी बॉलीवुड सॉन्ग्स, विदाउट एनी डांस हमने एनुअल डे फंक्शन मुकम्मल किया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप लोगों ने देखा हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर भी लाइव था कि इसके अंदर सिर्फ एजुकेशनल सॉन्ग्स और इस्लामिक सॉन्ग्स को लिया गया। बच्चों ने खिरत के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया, फिर नाते शरीफ और हमद बारी ताला और मुख्तलिफ मैसेजेस पेरेंट्स के ऊपर मैसेज दिया गया, गाज़ा के ऊपर हमारी जो है क्या किरदार होना चाहिए उसका मैसेज दिया गया, हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया, बहुत सारे मॉरल स्किट्स को प्ले किया गया, बहुत सारे आपने देखा कि जो है प्रोग्राम शामिल किए गए। और ख़ुशी की बात यह है कि हमने सिर्फ कुछ बच्चों को लेके प्रोग्राम नहीं किया। जनरली एनुअल डेज़ में ये होता है कि सिर्फ चार पांच बच्चों को लेके, हर क्लास के सिर्फ चार पांच टॉपर्स को लेके एनुअल डे किया जाता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज 80% से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम करना, 80% बच्चों को लेना, ये जो है जून से इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारा जो करिकुलम है CBSE प्लस एक्सीट करिकुलम है, उसके ज़रिए बच्चों को जो तालीम दी जाती है, जो इंटरेक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है, बच्चों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, उससे हमारे बच्चों के अंदर काफ़ी बोल्डनेस है, काफ़ी कॉन्फिडेंस है। जो स्टेज पे आके वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं आपने देखा होगा, और लाइव भी हमारे प्रोग्राम से। और हमारा संतोष नगर ब्रांच इसी साल स्टार्ट हुआ है। पहले साल के अंदर एनुअल डे प्लान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह संतोष नगर ब्रांच में पहले ही साल हमने एनुअल डे को अटेम्प्ट किया और बहुत ही सक्सेसफुल शो कल का भी रहा, आज बॉयज़ का भी शो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल है। पेरेंट्स काफ़ी खुश है, उनके बच्चों को स्टेज पे लाया जा रहा है। और आपको पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। एनुअल डे शो के ज़रिए हम बच्चों के अंदर बहुत सारे लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत सारे लाइफ स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कि बच्चे जब स्टेज पर आते हैं वो अपनी बात रखते हैं, अपना प्रोग्राम रखते हैं, फिर उनको मेडल पहनाया जाता है, हर एक बच्चे को उनके लिए तालियां बजती हैं, तो ये सारा करके बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, बोल्डनेस बच्चों के अंदर जो है आ जाता है, टीम वर्क बच्चे करना सीख जाते हैं, कोऑर्डिनेशन सीख जाते हैं, पेशेंस उनके अंदर जो है आ जाता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है जो बच्चों के अंदर हम डेवलप करते हैं। स्टेज फियर उनका चले जाता है, माइक पर उनको बात करने की जो है आदत हो जाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है जो बच्चों के अंदर हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के अंदर एनुअल डे फंक्शंस करने के बाद हम देखते हैं कि वो पढ़ाई की तरफ भी रागिब हो रहे हैं। देखिए, जब बच्चा मोटिवेट हो जाता है तो वो अपने पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़ता है। तो मकसद ये है, ये एनुअल डे फंक्शंस करने का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का मकसद ये है कि बच्चे हमारे एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ें। तो जब बच्चे शौक़ पैदा हो जाता है उनके अंदर, तो ये बच्चे शौक़ से पढ़ते हैं या खौफ से पढ़ते हैं, जब बच्चे के अंदर शौक़ पैदा हो जाता है ना, तो जब वो बच्चा शौक़ से अपने पढ़ाई में भी आगे बढ़ता है, उसको इंटरेस्ट पैदा होता है, स्कूल से अटैचमेंट होता है, टीचर्स से अटैचमेंट होता है, और वो रेगुलर आना भी शुरू कर देता है। वरना बच्चे आप देखते हैं कि जो है स्कूल से कुछ ना कुछ बहाना बना के एबसेंट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, जैसे एनुअल डे हो या कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, उसके ज़रिए बच्चों के अंदर हम जो है अल्टीमेटली एकेडमिक्स में भी उनको जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत जो है ये इस सारे शोज़ को जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे शोज़ को अगर आपको देखना है तो आप YouTube पे जाके हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल टाइप करें, या Instagram और Facebook पे भी हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल टाइप करके हमारे पेजेस पे इनको देखें और हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। एडमिशन्स भी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए ओपन हैं,
आप आके हमारे मुख्तलिफ ऑफिसेस है, जैसा मुगलपुरा है, फायर स्टेशन के सामने हमारा ऑफिस है, संतोष नगर क्रीड़ा रोड पे अपोजिट अलसफ़ा हमारा ऑफिस है, खिलवत ग्राउंड के अपोजिट में है, चादर घाट पे जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल थी अभी केयर हॉस्पिटल है उसके अपोजिट में हमारा ब्रांच है, और इसी तरह मुख्तलिफ हमारे जो है ब्रांचेस है, तो वहाँ पर आप रुजू हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।